ये इंपैक्ट, हम तो बेरोजगारी हो गया मेन कॉज में बताया, ऐसे बहुत सारी कॉजेस है ड्यू टू द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, हम एजुकेशन कर नहीं पा रहे हैं, बढ़ावा नहीं रहा है। हम लोग वोमेन्स कैटेगरी को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, आज भी समाज में वो है, इसीलिए बेटी बचाओ योजना है। बहुत सारी अनदर फैक्टर है, हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, हमारा कैपेसिटी नहीं है पढ़ाई, मेन इज द एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं है तो आप सिंपली एक लेबर बन सकते हो, अगर एजुकेशन है तो आप साक्षरता के तहत में स्किल एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज हिसाब से आप कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढने के लिए आपको पहले बेसिक पैरामीटर इज एजुकेशन। ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारा समाज के प्रति जो इंपैक्ट डाल देता है, मैं उसके ऊपर आज बताऊंगा। द अनएम्प्लॉयमेंट इन एनी नेशन हैव द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, हमारा अर्थव्यवस्था के ऊपर ये बेरोजगारी क्या इंपैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, मैं उसके बारे में बताता हूं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी, दारिद्रता को एनहांस कराएगा, मैंने जो बोल रहा था अभी, बेरोजगारी होगा, खाने पीने का लिविंग स्टाइल, हैंड टू माउथ जो बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, वो बेसिक नीड्स के लिए भी आदमी परेशानी होते रहेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट उसमें रिफ्लेक्ट करता है। द गवर्नमेंट सफर्स एक्स्ट्रा बोरोइंग बर्डन बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेस ये डिक्रीज इन प्रोडक्शन एंड लेस कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द पीपुल, क्योंकि जो पैसा नहीं होगा वो आदमी खरीदी क्या करेगा, सर्विस क्या लेगा, प्रोक्योर क्या करेगा, बॉय एंड चेन सिस्टम इंबैलेंस होगा, डिस्टर्ब होगा। सरकार को प्रति सब कुछ उसका टैक्स स्ट्रक्चर से लेकर उसकी जो लायबिलिटी ओवरबर्डन जिसको बोलता है वो बढ़ते रहेगा, बोरोइंग इन लोग लोन मांगते रहेंगे, सरकार का बोझ बढ़ते रहेगा। आइए नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन इजीली एंटिस्ट बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, जब बेरोजगार हो जाएगा वो क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाएगा, इलीगल काम करेगा, अनसोशियल काम करेगा, अनसोशियल एलिमेंट्स में इन्वॉल्व होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, स्ट्रेस हो लेवल बढ़ाएगा, दिस मेक्स देम लॉस फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री। दूसरा जो इंपैक्ट डालेगा, पीपुल अनएम्प्लॉयड फॉर ए लॉन्ग टाइम मे इंडल्ज इन इलीगल एंड रॉन्ग एक्टिविटीज फॉर अर्निंग मनी व्हिच इंक्रीजेस क्राइम इन द कंट्री, ऑलरेडी आई टोल्ड यू एक्सप्लेन्ड यू। अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज द वर्कफोर्स दैट कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड टू जेनरेट रिसोर्सेस एक्चुअली गेट्स डिपेंडेंट ऑन द रिमेनिंग वर्किंग पॉपुलेशन, दस एस्केलेटिंग सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर द स्टेट। फॉर ए इंस्टेंस, 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस द जीडीपी बाय 2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्रीज 1% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस 2% जीडीपी, दिस इज द एनी कंट्री, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंक्रीज 1% अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस 2% जीडीपी, दैट इज द मेजर इंपैक्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज ऑफ्टन सीन दैट अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल एंड अप गेटिंग एडिकेटेड टू ड्रग्स एंड अल्कोहल्स और अटेम्प्ट सुसाइड्स लीडिंग टू लॉसेस टू द ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री, बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज ए सेल्फ
एक्सप्लेनेटरी, जब एक इंसान बेरोजगार हो जाएगा लॉन्ग टाइम में, फ्रस्ट्रेटेड होगा, क्या करेगा? गंजा, अफीम, दारू, ड्रग्स ये सेवन करेगा और आत्महत्या करेगा, और हम ह्यूमन रिसोर्सेस को मजबूर हो जाएंगे लॉस करने का। हम अनएम्प्लॉयमेंट हैज टू बी कंट्रोल एंड टेकन बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट स्कीम्स, सो दैट आवर अनएम्प्लॉयमेंट कैन कंट्रोल। एंड एट द सेम टाइम बींग वी आर एस्पिरेंट्स, वी हैव टू सर्च, we have to struggle, we have to fight again and again towards the placement with respect to our skill, experience, expertise, vacancies available from time to time in different modes, maybe in me Facebook, maybe WhatsApp, maybe any social media, or maybe internet, maybe current affairs, maybe magazine, maybe daily newspaper, maybe employment news, maybe radio, maybe TV, maybe any channels or any other social media, Instagrams, or maybe any other media which I cannot be spell out in front of you, maybe SMS, maybe LinkedIn, and whatever media, social medias are available, including WhatsApp also. हम लोग को सोशल ग्रुप बना के सर्च करना, एक दूसरे को शेयर करना, जानकारी लेना और अप्लाई करना। 100 अप्लाई करेंगे एक जगह तो लगेगा, अगर हम 100 तीर मारेंगे एक तीर तो एक दिन लगेगा ही लगेगा। हम अप्लाई करेंगे एज पर आवर स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, हम लोग को पेशेंस के साथ अप्लाई करते रहना, फाइट करते रहना। फेल हो जाने के बाद हम लोग को एवरी फेल मतलब हम अनसक्सेस होना, एक फेलोर होना हम लोग को सिखाता है कि हमने काय के लिए फेल हुआ, आने वाला दिन के लिए हमारे लिए एक लेसन बन जाता है। आइए, मेरी ये जानकारी आप लोग को कैसे लगा, आप लोग मुझे जरूर लाइक करेंगे और ये चीज को अमल करेंगे, ताकि कि हमारा समाज का मुख्य स्रोत में आप लोग आ पाएंगे और प्लेसमेंट होगा, हर घर में एक तो रोजगार बनेगा और रोजगारी बनेंगे, ताकि कि हमारा देश की जीडीपी अग्रगति होगा, हमारा देश की मान मर्यादा गौरव हम आगे बढ़ते रहेगा, और हम बोलेंगे हम भारतीय किसी से कम नहीं है। जय हिंद।